गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस इज योर लेक्चर नंबर टू, चैप्टर नंबर 13। प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सारी पावर्स और फंक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के उनको फुलफिल करता है। प्रेसिडेंट अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है। टेम्परेरी एब्सेंस में भी प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है सारे फंक्शंस को प्रेसिडेंट के। वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का और वह इलेक्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है बनने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए एक पर्सन जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और एटलीस्ट 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा और उसके क्वालिफिकेशन जो है वो राज्यसभा की मेंबर बनने लायक होनी चाहिए। टेन्योर इसका टर्म जो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट का 5 ईयर का होता है और लेकिन वो रिजाइन कर सकता है अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है राष्ट्रपति को देकर, वह रिमूव किया जा सकता है राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके। मेजॉरिटी इसके मेंबर्स जब मेजॉरिटी में जाते हैं अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और सपोर्ट होता है उसे लोकसभा का। प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर उनका रियल हेड होता है। मेजॉरिटी पार्टी जो लोकसभा में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसे प्रेसिडेंट इन्वाइट करता है आपका गवर्नमेंट बनाने के लिए और उसे प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन मिलता है। प्राइम मिनिस्टर जो आपका पूरी आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेस होता है और वह आपका रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का और प्रेसिडेंट जो है काम करता है आपके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो आपका लिंक होता है आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में से, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। मिनिस्टर्स जो होते हैं फॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करता है उनको डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज को, वह प्रोवाइड कराता है आप वो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनका हेड होता है, उनको सुपरवाइज करता है मिनिस्टर्स को और कोऑर्डिनेट करता है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को और प्रोग्राम को। प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो लोकसभा का लीडर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंट कर सकता है किसी भी डिस्कशन में पार्लियामेंट के और एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर काम करता है एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर लिंक होता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, कम्युनिकेट करता है सभी डिसीजन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं उनको राष्ट्रपति को बताता है। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस को कैरी करने के लिए। और एक मिनिस्टर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है वो आपका किसी भी टू हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो उसे मेंबरशिप एक्वायर करनी होगी दोनों में से किसी एक हाउस की आपके 6 महीने के अंदर। ठीक है, बहुत कैटेगरीज होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये आपके डिफरेंट पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट्स को होल्ड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है। सेकेंड लेवल जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो होती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और थर्ड होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं एज अ टीम काम करते हैं और सभी मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लेजिस्लेचर को लेकर अपने डिसीजन जो भी काउंसिल लेती है। फंक्शंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्चुअली सभी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं बजट को, लॉ जो पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्री को देखते हैं ये लोग। फिर आते हैं सिविल सर्विसेज, जो डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम जो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे करते हैं जिन्हें सिविल सर्विसेज
या सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। सिविल सर्विसेज में आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का रन करते हैं, और मिनिस्टर्स जो होते हैं पावर में आते हैं, पॉलिटिकल मैंडेट उन्हें मिलता है, ठीक है, और हर इलेक्शन के बाद वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और वो पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो करता है, डिसीजंस को कैरी आउट किया जाता है, वो बाय द सिविल सर्वेंट्स कैरी किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो इंक्लूड होती है इसमें थ्री टाइप की सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS। जो सिलेक्शन होता है सिविल सर्वेंट्स का वो सेंट्रल लेवल का इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और सिलेक्शन किया जाता है सिविल सर्वेंट्स का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो चेयरमैन अपॉइंट करता है चेयरमैन को और UPSC के मेंबर्स को, और कुछ उनमें से IAS ऑफिसर जो होते हैं वो आपके हर स्टेट में रखे जाते हैं, और बचे हुए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं स्टेट के वो स्टेट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं राज्य के द्वारा। हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट जो होते हैं कंट्री में उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, अंडर हिम जो आपके सेक्रेटरीज होते हैं हु हेड द एडमिनिस्ट्रेशन, हर मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, और फर्दर उनको असिस्टेंस दिया जाता है दूसरे सेक्रेटरीज के द्वारा। सिविल सर्वेंट्स टेक केयर करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रबंध देखते हैं अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का, और इसी वजह से ये वो लोग होते हैं जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है उनको कैरी आउट करवाते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो बैकबोन होते हैं पूरे प्रबंध तंत्र का, और हैंस एफिशिएंसी जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो डिपेंड करती है आपके एफिशिएंसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।